कभी आप भाजपा के साथ चले जाते हो तो कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हो। देखिए खींवसर के अंदर तो हनुमान बेनीवाल जी की जो विचारधारा है उसको लेकर हमेशा लोगों ने उनको समर्थन दिया। एक किसान कौम को जवान को सशक्त बनाने की बात हनुमान जी हमेशा करते हैं। हनुमान जी का संघर्ष बहुत लंबे सालों तक का संघर्ष है, इसलिए तैयारियों का कोई ऐसा यहाँ प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा हमेशा चुनाव लड़ती आई है। 2008 से लेकर 2024 आ गए, क्या कुछ देखने को मतलब है? क्योंकि आपका वोटों का जो मार्जिन है वो पहले 40,000 25,000 हुआ करता, जो आज 2,000 पे आके सिमट गए हैं। परिवारवाद उसको कहते हैं, जब कोई अयोग्य व्यक्ति को आप किसी पद पे बिठाते हो वो परिवारवाद है। आज आप अमित शाह के बेटे जो हैं वो ICC के चेयरमैन बन गए, किसी ने परिवारवाद का ठप्पा लगाया था नहीं मीडिया ने। आपने कहा कि RLP की रीढ़ की हड्डी किसान और जवान है, लेकिन ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती है? 2018 के चुनाव में 3 सीटें थी जो 3 से 1 पर आकर सिमट गई। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे हनुमान बेनीवाल जैसा भाई मिला जो काजल की कोठरी में रहकर भी कोई काला दाग नहीं लगा। राजनेता में सबसे पहले आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, और हनुमान बेनीवाल जिस बेबाकी से देश और प्रदेश की बात उठाते हैं ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। कोई MP MLA बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गौरव की बात है कि मैं उस भाई का छोटा व्यक्ति हूँ जो राजस्थान ही नहीं देश की सबसे बड़ी संसद में जब दाड़ता है तो देश के प्रत्येक संसद की नज़रें उन पर रहती है कि ये आदमी सटीक और सही बोले। नहीं, 16 साल के अंदर 8 चुनाव लगातार जीतना ये राजस्थान में शायद अपने आप में रिकॉर्ड होगा, जो हनुमान जी के खाते में ही दर्ज है। चाहे चुनाव वो किसी भी सिंबल से लड़े हो, किसी भी विचारधारा से लड़े हो, क्यों सर के लोगों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागौर में, और नागौर में उपचुनाव की हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि खींवसर की वो सीट जहाँ से हनुमान बेनीवाल आते हैं वो सीट खाली हो गई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सांसद बनकर संसद में पहुँच गए हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और RLP की रीढ़ कहे जाने वाले नारायण जी बेनीवाल, जिनसे जानते हैं कि इस बार उपचुनाव में क्या गतिविधियाँ रहने वाली है, और सरकार के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है प्रदेश में, क्या RLP का कांग्रेस से गठबंधन होगा उन सब को लेकर, और RLP कार्यकारिणी कब बनेगी उन सब को लेकर आज बात करेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कैसी चल रही है तैयारियाँ? देखिए खींवसर के अंदर तो हनुमान बेनीवाल जी की जो विचारधारा है उसको लेकर हमेशा लोगों ने उनको समर्थन दिया। एक किसान कौम को जवान को सशक्त बनाने की बात हनुमान जी हमेशा करते हैं। हनुमान जी का संघर्ष बहुत लंबे सालों तक का संघर्ष है, इसलिए तैयारियों का कोई ऐसा यहाँ प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा हमेशा चुनाव लड़ती आई है। सर ये चीज़ जानना चाहूँगा, मैं जब क्षेत्र में जा रहा था गांव-गांव में, आपके यहाँ खींवसर में कई गांव में जाके आया हूँ, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2008 से लेकर 2024 आ गए, क्या कुछ देखने को मतलब है? क्योंकि आपका वोटों का जो मार्जिन है वो पहले 40,000 25,000 हुआ करता, जो आज 2,000 पे आके सिमट गए हैं। देखिए यहाँ दो ही तरह के वोट हैं, एक हनुमान जी की विचारधारा का वोट और एक हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा के विरोध का वोट। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई, ट्रिंगुलर फाइट हुई, कई बार चतुष्कोणीय मुकाबले हुए, कई बार सीधी फाइट हुई, और इस बार का जो चुनाव था आप देख रहे हो सारा भारतीय जनता पार्टी की हवा भी थी, हनुमान जी इतना समय भी नहीं दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी और कुछ हमारे वोट जो हैं वो बाहर भी रह गए, क्योंकि हमारा इस इलाके का अधिकांश वोट जो है वो बाहर सूरत बड़ौदा अहमदाबाद बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से रहते हैं, और विधानसभा में उस समय पर वोट देने या कई लोग नहीं पहुंच पाए, उसको लेके भी मार्जिन थोड़ा कम हो गया। लेकिन मार्जिन अब मुझे पता है कि हनुमान बेनीवाल जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है उसमें कहीं ऐसी मार्जिन की बात नहीं है। आप ये देखिए 16 साल के अंदर 8 चुनाव लगातार जीतना ये राजस्थान में शायद अपने आप में रिकॉर्ड होगा, जो हनुमान जी के खाते में ही दर्ज है। चाहे चुनाव वो किसी भी सिंबल से लड़े हो, किसी भी विचारधारा से लड़े हो, क्यों सर के लोगों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया। आपने कहा किसी भी सिंबल से लड़े हो, यही एक सवाल मैं जनता के बीच पूछ रहा था, तो उन्होंने भी यही चीज़ बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी आप भाजपा के साथ चले जाते हो तो कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हो, इसके पीछे क्या कारण है? ये हनुमान जी ने हमेशा जब भाजपा से गठबंधन किया था उस टाइम लोगों की सबकी भावना थी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा था, पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर थी, उस टाइम जो गठबंधन किया था। लेकिन हनुमान जी ने स्पष्ट कहा था कि किसान और जवान जो है वो मेरी असली ताकत है, जिस दिन भी किसान और जवानों के हितों में कुठाराघात होगा मैं बिना कोई क्षण गंवाए मैं
गठबंधन तोड़ दूंगा। और वही हुआ जब तीन कृषि कानून आए, जो अग्निवीर की योजना का हनुमान जी ने विरोध किया, क्योंकि देश की रीढ़ जो है वो किसान और जवान है। और हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि किसान और जवान है, वही मेरी असली ताकत है। तो किसानों और जवानों के हितों पर जब कुठाराघात हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट गया। और जब गठबंधन टूटा तो निश्चित रूप से आप जान लो देश का पूरा जो परिदृश्य है, और एक राजस्थान जैसे प्रदेश में तीसरे मोर्चे का कि पार्टी का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के बड़े स्तर पर जीतना, ये थोड़ा चैलेंजिंग था। तो कहीं ना कहीं सब लोगों की राय लेके और फिर कांग्रेस से गठबंधन हुआ। सर, कांग्रेस से गठबंधन हुआ, लेकिन चर्चा अभी यह भी है कि उपचुनाव में क्या एक बार फिर कांग्रेस से गठबंधन होगा, क्योंकि लगातार हनुमान जी तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं जब से गठबंधन के बाद, जब वो सांसद बनकर संसद में पहुंचे। ये बातें मेरे अधिकार क्षेत्र की नहीं है, ये बातें हनुमान जी ही बता पाएंगे, क्योंकि पार्टी में हनुमान जी सबकी राय लेते हैं, लेकिन चूँकि सुप्रीम पद पर वही हैं तो ये सारे जो नीतिगत फैसले हैं ये हनुमान जी बताएंगे। लेकिन आरएलपी की रीढ़ की हड्डी तो आप ही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आरएलपी की रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो आम जवान और किसान है राजस्थान का, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना से पहले जो ओंकार रैलियां, लाखों लोग इकट्ठे हुए, हनुमान जी का समर्पण और संघर्ष और आम जवान और किसान का प्यार प्रेम, ये रीढ़ की हड्डी है आरएलपी की। आपने कहा कि आरएलपी की रीढ़ की हड्डी किसान और जवान है, लेकिन ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती है? 2018 के चुनाव में 3 सीटें थी, जो 3 से 1 पर आकर सिमट गई। कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। वोट बैंक हमारा बड़ा, आपने इस बार देखा वोट बैंक बड़ा। और राजस्थान देखिए, संसाधनों का अभाव, जो हनुमान जी हमेशा कहते हैं, फिर नई पार्टी राजस्थान जैसे स्टेट में है, ये क्योंकि लोग जो है ना, वो उन्होंने कभी अभी तीसरे मोर्चे की तरफ झुक नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप से अभी आप देखो, बीएपी ने भी एंट्री की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एंट्री की। इस बार के जो संसद के जो चुनाव थे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों की भावना जरूर इसके अंदर आई कि राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तीसरा मोर्चा तो होना चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक लोग तीसरे मोर्चे को नहीं देखेंगे तो बदलाव नहीं होंगे। आपकी जो आइडियोलॉजी रही है किसान जवान की आइडियोलॉजी की, जो बात करते हो, तो खींवसर के लोग एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि खींवसर के अंदर जो भाजपा के जो कई दावेदार हैं उनमें और आरएलपी में जो कैंडिडेट हैं उनमें से चेहरा कौन होगा आरएलपी का? देखिए, आरएलपी का चेहरा हनुमान जी हमेशा कहता है कि हनुमान जी ने पिछली बार जब मुझे चुनाव लड़ाया था पिछले उपचुनाव में, तो भी सभी प्रबुद्ध जनों को बुला के मीटिंग करके लिए कहा, आप बताएंगे भाई हमारा प्रत्याशी कौन होगा। हनुमान जी हमेशा ये कहते हैं, मैं हर व्यक्ति की राय लेके और उसके बाद जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो सेवा और समर्पण से काम कर सके, जीता हो टिका हो, हमारी भावनाओं को आम जन तक पहुंचाए। तो उम्मीदवारी की जहाँ तक बात है, हनुमान जी जो फैसला करेंगे सब लोगों से मिलके, वही प्रत्याशी होगा। क्यों सर, होगा क्या इस बार भी फिर परिवार से होगा या परिवार के बाहर भी होगा? देखिए, ये बातें सब लोगों से एक बार राय करके और उसके बाद हनुमान जी ही तय करेंगे कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है लोगों की सेवा करना, और हमने सेवा की। और परिवारवाद नहीं है, ये सेवावाद है। ये एक ही सवाल इसलिए मेरा, देखिए परिवारवाद उसको कहते हैं जब कोई अयोग्य व्यक्ति को आप किसी पद पर बिठाते हो, वो परिवारवाद है। आज आप अमित शाह के बेटे जो हैं वो ICC के चेयरमैन बन गए, किसी ने परिवारवाद का ठप्पा लगाया था नहीं मीडिया ने? हम लोग सेवा कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी विधायक रहे, लंबे समय तक पंचायती राज की संस्थाओं से जुड़े हुए, कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये परिवारवाद नहीं, ये तो लोगों का प्यार है, ये प्रेम है, सेवावाद है कि भाई यदि हनुमान बेनीवाल जी जब MLA थे और हनुमान जी को सब लोगों ने इकट्ठा होकर बाद उपचुनाव में कहा कि भाई नारायण बेनीवाल को आप चुनाव लड़ाओ, उन्होंने लड़ा दिया। इस बार भी हनुमान जी कह रहे हैं मैं सबसे राय लेके और जो भी सेवा करने वाला व्यक्ति है उसको मैं टिकट दूंगा। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि हनुमान जी का मेरे प्रति स्नेह और मेरा उनके प्रति समर्पण, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से हजारों कोस दूर है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी जैसे हमेशा मैंने प्रयास किया ईमानदारी से, और ये सही बात है, करना चाहिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे हनुमान बेनीवाल जैसा भाई मिला, जो काजल की कोठरी में रहकर भी कोई काला दाग नहीं लगा। राजनेता में सबसे पहले आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, और हनुमान बेनीवाल जिस बेबाकी से देश और प्रदेश की बात उठाते हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। कोई MP MLA बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गौरव की बात है कि मैं उस भाई का छोटा व्यक्ति हूँ जो राजस्थान ही नहीं देश की सबसे बड़ी संसद में जब दाड़ता है तो
तो देश के प्रत्येक संसद की नजरें उन पर रहती है कि ये आदमी सटीक और सही बोले। लेकिन मेरा यह सवाल इसलिए था क्योंकि आपके जो पुराने साथी थे भाजपा जिससे आप गठबंधन किए थे, वो लोग आप पे ये आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अब उनके पास और कोई चारा ही नहीं ना, आप क्यों सर घूम के आए हो? बिल्कुल, आपने विकास देखा? बिल्कुल, सड़कें देखी मैंने, अभी नए काम चल रहे हैं। हनुमान जी ने खुलाए बिजली पानी, जहाँ ढाणियों में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, प्रत्येक ढाणी को बिजली और पानी से जोड़ने का काम किया। बहुत बड़ा जो क्रांतिकारी परिवर्तन जो विकास के अंदर हुआ वो हनुमान जी की देन है। वो लोग कुंठा के अंदर ही आरोप लगा रहे हैं कि परिवार की बात है, ये बात है, और हमने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन जब एक आईएएस का बेटा पढ़ाई करके आईएएस बनता है तो क्या परिवारवाद है? ये अपनी हमने सेवा की यहाँ इस जनता की, और जनता ने ही हमें चुना, हमने कभी कोई जनता पे कुछ नहीं थोपा। हनुमान जी का खुला दरबार है, वो सब लोगों से राय लिए बगैर आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो एक ही बात कहता है, सर्वसम्मति से और अच्छा व्यक्ति आगे बढ़े राजनीति में, और अच्छे व्यक्तियों कहीं आगे भी बढ़ाए। अब जो आरोप जो लगा रहे हैं वो ट्रेनिंग हनुमान जी से तो लेके गए हुए हैं सब लोग, हमारी स्कूल में ही तो उन्होंने आप रेवंत राम डांगा के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जो कर रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष में मैं टिप्पणी नहीं करता, मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और जनता से भी विशेष अपील है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में जाता है तो उसके बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। अब हम संविधान की बात करते हैं, हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन ये सब बातें समझने के लिए उसको शिक्षित होना जरूरी है। अब कई लोग अनपढ़ भी क्या बराबरी करने में तुल जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा आप बताएं? आपने कहा संविधान की बात की, क्या लगता है सच में संविधान खतरे में है क्या? देखिए आज जो स्थितियाँ देश के अंदर जो पैदा हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें कर रहे हैं, आप इन बातों का गहराई से अध्ययन यदि आप करेंगे तो हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कोई बहुत बड़ी स्थितियाँ यहाँ की ख़राब हो जाए, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सर्व समाज, सर्व जातियाँ, इन सबको इकट्ठा करके मूल भावना है जो देश प्रेम की है, वो मूल भावना जो है वो कुछ लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं उसको विखंडित करने का काम किया जा रहा है आपके यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने शायद ये बयान भी दिया था कि हमें मोदी जी को 400 सीटें इसलिए देनी है कि संविधान में बदलाव करना है। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे देश में मोदी जी को, बिल्कुल दिया था। क्या लगता है एक बार फिर ज्योति मिर्धा खिमसर में चुनावी मैदान में होंगी? अगर होंगी तो टक्कर कैसे होगी? आंतरिक मामला है, इसके अंदर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ा सकती है। मजबूत कौन हो सकता है भाजपा आपको टक्कर देने के लिए? देखिए हनुमान जी की विचारधारा को क्यों सर में टक्कर देने वाला कोई मजबूत प्रत्याशी है ही नहीं आज की तारीख। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस या और कॉन्फिडेंस है? जनता का जो प्रेम है, ये कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये जनता का प्रेम है हनुमान जी के प्रति। आज आप देख रहे हो कि किस तरह हनुमान जी जब कोई गाँव के अंदर छोटे से कार्यक्रम में जाते हैं तो आप देखो हजारों की जो हजूम, माताएँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों का जो प्रेम है उनके प्रति, जो क्रेज है, ये निश्चित रूप से हनुमान जी की बहुत बड़ी ताकत है। प्रदेश में आए दिन आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं को लेकर, रेप की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है प्रदेश में, भाजपा की सरकार को 8 महीने हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हम सब के लिए चिंता की बात है, प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है वो निश्चित रूप से चिंता की बात, और ये हम सब का दायित्व है कि समाज के अंदर ऐसे जो समाज कंटक लोग हैं उनके प्रति हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं। मैं किसी पार्टी पर इस मामले में आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मामला जो है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर गड़बड़ हो रहा है। आप चाहे पश्चिम बंगाल से लेकर, गुजरात से लेकर, कहीं भी आप देख लो, ये जो घटनाएं हो रही है ये कहीं ना कहीं दिल को झकझोर करने वाली घटना है, ये हम सबको चिंतित करने की घटना है। सभ्य समाज में इन घटनाओं का कोई स्थान नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो सरकार में बैठे लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और ऐसी घटनाएं घटित करने वाले लोगों को कठोर सजा मिले। यदि इनको कठोर सजा मिलेगी तो लोगों के अंदर भय पैदा होगा, भय बिना प्रीत न हुई गुसाई, ये हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, सरकार का भय होना चाहिए। लेकिन आज प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी जो है, जो माफिया जो है, उनका और पुलिस के जो सांठगांठ का जो कोकस राजस्थान में बना, पहले बजरी माफिया आए, फिर और माफियाओं ने भी यहाँ दस्तक दी, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी को जिन्होंने बहुत बड़े बड़े माफियाओं से लड़के और राजस्थान के अंदर एक कानून का झंडा जो है उसको
ठोस करने का जो काम किया, निश्चित रूप से हम सब का ये प्रयास होना चाहिए कि समाज के अंदर ऐसी घटनाओं की हम सब लोग निंदा करें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसे कहीं ना कहीं ठोस कानून इस प्रदेश के अंदर बढ़े। नशे की प्रवृत्ति है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और युवा खासकर उस चीज़ को लेकर बहुत लोभ लुभावनी चीज़ें कर रहे हैं। और अभी हाल ही में नागौर के अंदर कल परसों ही शायद 7-8 करोड़ रुपए का वो नशे का कुछ बोरे वगैरह पकड़े गए थे, इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? कि नशा जो है ना वो पुलिस की मिली भक्ति के बिना उसकी ड्रग्स की तस्करी हो ही नहीं सकती। पुलिस इनको पकड़ती है लेकिन चैन जो कहाँ से आया, किसने दिया, आगे कहाँ जाएगा, इस सब चीज़ों में बहुत भारी भ्रष्टाचार पुलिस के लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से भी ये करूँगा, अच्छे पुलिस अफसरों को आप मुस्तैदी से तैनात करें, उनकी ऐसे मामलों की गहनता से जांच करें, क्योंकि ये जो विष जो है नशे का, ये कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्लें खराब कर देगा। और हम तो दोनों भाई हमेशा, जिन्होंने कभी सुपारी का भी नशा नहीं किया, हम हमेशा युवाओं से अपील भी करते हैं क्योंकि लोग हमें आदर्श मानते हैं, तो हमने कभी किसी चीज़ का नशा भी नहीं किया। हम हमेशा ही प्रयास भी करते हैं कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बने, क्योंकि नशा मुक्त और शिक्षित समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक खाली भाषणों से देश में सुधार होना लाजमी नहीं है। मैं युवाओं से भी अपील करूंगा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, और जो परिवार में कोई, यदि कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति छोटा मोटा नशा करने लग जाता है, हम उसका बहिष्कार कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि और ज़्यादा जकड़ जाता है, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है। तो मैं हमेशा निवेदन उन परिवारों से भी करता हूँ कि ऐसे बच्चों की वापस काउंसलिंग करके और उनको मुख्य धारा में आप लोग जोड़िए, ताकि कहीं ना कहीं उसको लगे कि मुझे नशा मुक्त समाज में रहना, नशा करना मेरे लिए घातक है। आपके एक कार्यकर्ता का सवाल है कि RLP की कार्यकारिणी है वो काफ़ी समय से भंग की हुई है, तो वो कार्यकारिणी कब बनेगी और प्रदेश के युवा उनसे कब जुड़ेंगे? ये सब प्रक्रियाएँ चल रही है, हनुमान जी जल्दी इस बारे में बैठक लेके और कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि यूथ जो है और किसान परिवारों के लोग जो हैं वो राजनीति में आगे आएँ, अच्छे विचारों के साथ आगे आएँ, अच्छी भावनाओं के साथ आगे आएँ, और बिना कोई अपेक्षा के। क्या होता है कई बार आदमी अपेक्षा लेके आता है और जब उसकी अपेक्षा जल्दी पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो कुंठित और रुष्ट हो जाता है। तो मैं यही निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से और किसानों से कि हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति है जो किसान और जवान के सम्मान को देश में बढ़ाने की बात करता है, उस व्यक्ति को हम लोग मजबूत बनाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है वो बहुत बड़े सुखद परिणाम जो है राजस्थान में निकल कर। आपने कहा कि रुष्ट और कुंठित हो जाते हैं, और आपकी पार्टी के साथ तो अधिकतर यही हुआ है कि जिन लोगों को आपने पाल पोस कर नेता बनाया, तैयार किया, नींव मजबूत की, और वो फिर जैसे ही तैयार हुए और फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। इसके बारे में मैं लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करूँगा, चलो जो भी है जो गया उसको छोड़ो, अब नए सिरे से हम लोग ऐसी टीम प्रदेश में तैयार करेंगे। और हम हनुमान बेनीवाल जी तो वो व्यक्ति है जो पत्थर पे फूल लगाने का सपना देखते हैं, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है वो। तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो एक नया तीसरे मोर्चे को लेके उन्होंने जो सपना देखा है वो निश्चित रूप से उनका सपना पूरा करें। सर, आप आने वाले समय में 4 साल हैं आपके पास फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, कोई ऐसी थीम है जो आप मतलब जनता को बताना चाहेंगे इस थीम पर हम काम करेंगे? क्योंकि आप पिछले 4 साल तक मैंने देखा है, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था उस समय से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। आपने अच्छे बहुत सी जगह मदद भी की, लोगों की गए भी, लेकिन उसका रिजल्ट है वो नहीं मिला। अब क्या है कि 2028 के चुनाव को लेकर मिलेगा? तो क्योंकि राजस्थान में कभी क्या है कि ऐसा टेस्ट लोगों ने अभी उनको वो टेस्ट ले नहीं पाए तीसरे मोर्चे का, इसका वो मिलेगा। और लोग देखिए आज उम्मीद कितनी करते हैं, मैं आपको बताऊं, अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह एक ट्रेन में बैठा यात्री जो है वो हनुमान बेनीवाल जी को फ़ोन करता है कि मेरे पिताजी बीमार हो गए। बिल्कुल, है ना। और इससे पहले भी एक घटना हुई, आज कहीं भी व्यक्ति कहीं भी बैठा रहता है, ये जो एक फौजी का जो सुसाइड का मामला था जोधपुर का, उन्होंने ये लिख दिया कि मेरे परिवार की हेल्प जो है वो हनुमान बेनीवाल करेंगे। मतलब लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी से हैं, वो इसलिए है कि वो सोचते हैं कि किसान और जवान और पीड़ित जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं न्याय हनुमान बेनीवाल दिलाएगा। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के मार्फत प्रदेश के लोगों को और ख़ास तौर से खींवसर की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही सब लोगों से निवेदन करूँगा, हमें राजस्थान को बहुत अच्छा स्टेट हम सबको बनाना है, और किसान और जवान और सर्व समाज को साथ लेकर चलने का जो हनुमान बेनीवाल जी बात कर रहे हैं, उनकी बात को
उनके जो सपनों का जो राजस्थान है वो हम सब लोग मिलके बनाएं, ऐसी मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा, नशा मुक्त समाज और शिक्षित समाज बना के और सही दिशा के अंदर हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, ये मैं निवेदन करूँगा। जी जी, तो ये थे हमारे साथ नारायण जी बेनीवाल जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं, और वैसे RLP की जो मजबूत जो देख रेख होती है जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है उनकी सारी देख रेख यही करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि RLP की रीढ़ की हड्डी यही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव में ये प्रत्याशी एक बार फिर होंगे या फिर कनिका बेनीवाल होंगे, ये तो हनुमान बेनीवाल तय करेंगी या फिर खींवसर की जनता तय करेगी। लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि भाजपा से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन आप हमारे साथ देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।